साथ वॉशिंगटन का एक डॉक्टर अपनी किताब में लिखता है कि मेरा दिल करता है कि सारे मुल्क में नमाज को नाफिज करवा दूं। जब इससे वजह पूछी गई तो इसने बताया कि नमाज के अंदर इतनी हिकमतें हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो नमाज के फायदे बयान करते हुए कहता है कि अगर इंसान के जिस्म को मादी नजर से देखा जाए तो इंसान का दिल पंप की मानिंद है जो पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। इसने कहा कि जब इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो जिस्म के जो हिस्से नीचे होते हैं इनमें खून का प्रेशर निस्बतन ज्यादा होता है और जो हिस्से ऊपर होते हैं इनमें प्रेशर निस्बतन कम होता है। मसलन 3 मंजिला इमारत और नीचे पंप लगा हो तो नीचे पानी ज्यादा होगा और दूसरी मंजिल पर भी कुछ पानी पहुंच जाएगा, जबकि तीसरी मंजिल पर तो बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। हालांकि पंप वही है लेकिन नीचे पानी पूरा दे रहा है और ऊपर वाली मंजिल में बहुत कम। इस मिसाल को अगर सामने रखते हुए सोचें तो इंसान का दिल भी खून को पंप करता है और ये खून नीचे वाले अज़ा में बिल्कुल पूरा पहुंच रहा होता है लेकिन ऊपर के अज़ा में इतना नहीं पहुंच पाता। जब कोई ऐसी सूरत आती है जिसमें इंसान का सर नीचे और दिल ऊपर हो तो खून सर के अंदर भी अच्छी तरह पहुंच जाता है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब इंसान नमाज पढ़े, क्योंकि जब इंसान नमाज के सजदे में जाता है तो महसूस होता है जैसे पूरे जिस्म में खून फिर गया हो। और आदमी अगर सजदा थोड़ा लंबा कर ले तो महसूस होता है कि चेहरे की जो बारीक बारीक शरियाने हैं इनमें भी खून पहुंच गया है। ये डॉक्टर मजीद लिखता है कि आमतौर पर इंसान बैठा लेटा या खड़ा होता है, बैठने खड़े होने और लेटने से इंसान का दिल नीचे होता है जबकि सर ऊपर होता है। एक ही सूरत ऐसी होती है कि नमाज में जब इंसान सजदे में जाता है तो इसका दिल ऊपर होता है और सर नीचे होता है, लिहाजा खून अच्छी तरह चेहरे की जिल्द में भी पहुंच जाता है। ख्वातीन हज़रात, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज नूर है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी के भी दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए।